नमस्कार, मैंने सेफी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। और अब देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्रवाइस ने अपने ट्वीट में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि से तुर्की का हटना बेहद निराशजनक है और ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को पीछे धकेलने के समान है। ईडी ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी से उसकी बहन पूर्वा मोदी की मदद से 17.25 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। ये राशि यूके बैंक अकाउंट से भारत सरकार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के अंदर एक ड्रोन की खबर सामने आई है। हालांकि भारत की ओर से इस मामले से कड़ी आपत्ति जताई गई है और भारत ने सुरक्षा उल्लंघन को लेकर विरोध दर्ज किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणा के बाद अमेरिका ने 1 मई से अफगानिस्तान से सेना वापसी की शुरुआत हो चुकी है। 11 सितंबर 2021 तक सभी सैनिक वापस लौट जाएंगे। इसी दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। चीन के परमाणु हथियार के निर्माण पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्रवाइस ने गुरुवार को कहा कि चीन परमाणु शक्ति के मामले में पहले की अपेक्षा में अधिक तेजी से बढ़ा है। इसके गलत इस्तेमाल से शांति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका ब्रिटेन के साथ रूस का तनाव काले सागर के पिछले हफ्ते के बाद बढ़ने लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये विवाद बढ़ जाए तो कोई डर नहीं है, क्योंकि इसलिए पश्चिमी देश को पता है कि वे वैश्विक लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं। बंगाल विधानसभा में बवाल, विधायकों के हंगामे के चलते अभिभाषण नहीं पढ़ सके राज्यपाल, 5 मिनट में ही खत्म करनी पड़ी कार्यवाही। ईडी ने महाराष्ट्र राज्य को ऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी 65.75 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें कोरगांव के चिमगांव स्थित चीनी मिल की जमीन, इमारत, प्लांट और शामिल हैं। महामारी में भी सरकार की आमदनी बढ़ी है। केंद्र को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी से 4.51 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये पिछले साल से 56% ज्यादा है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते हुए कहा कि भारत की बी टीम श्रीलंका के दौरे पर भेजना श्रीलंकन क्रिकेट को अपमान करना जैसा है। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।